प्रिय विद्यार्थियों, मैं सीएस डोटरासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगल कॉलेज डीडवाणा। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के एबीएसटी फर्स्ट पेपर फर्स्ट के इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंतर्गत वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स यानी अनुलाभों का मूल्यांकन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अनुलाभ किसे कहते हैं, अनुलाभ का क्या अर्थ होता है? तो इसमें ये विधान में बताया गया है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को जो सुविधाएं या गैर मौद्रिक अनुलाभ प्रदान किए जाते हैं उन्हें अनुलाभ कहा जाता है, अर्थात सुविधा व गैर मौद्रिक लाभ, इसमें नगद शामिल नहीं होता है, सुविधा व गैर मौद्रिक लाभ को ही अनुलाभ माना जाता है। अनुलाभ की दृष्टि से कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी, ये सभी कर्मचारी अनुलाभ की दृष्टि से दो भागों में बांटे गए हैं। नंबर एक है साधारण कर्मचारी यानी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, नंबर टू है विशिष्ट कर्मचारी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जो विशिष्ट कर्मचारी होता है वो साधारण ही होता है। तो विशिष्ट कर्मचारी का क्या अर्थ होता है, ये है प्रावधान स्पष्ट रूप से दिया गया है। निम्न तीन प्रकार के कर्मचारियों को विशिष्ट कर्मचारी माना गया है। नंबर एक है कि यदि कर्मचारी नियोक्ता कंपनी में संचालक भी हो, अर्थात कर्मचारी जिस कंपनी में सेवा प्रदान करता है उसमें कर्मचारी के अलावा संचालक भी है, डायरेक्टर भी है, तो उसे विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है। नंबर टू है यदि कर्मचारी के पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% यानी 20% मताधिकार वोटिंग राइट्स वाले अंश हों। प्रिय विद्यार्थियों, अंश दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्षमता अंश और प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश। वोटिंग राइट केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होता है, अतः यदि कर्मचारी नियोक्ता कंपनी के कम 20% इक्विटी शेयर्स को होल्ड करता है, दायित्व करता है, तो भी उसे विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है। नंबर तीन है कि यदि कर्मचारी की गत वर्ष में वेतन शीर्ष की नगद करयोग्य आय 50,000 रुपये से अधिक हो तो भी उसे विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है। नगद करयोग्य आय वेतन शीर्ष की, इसका क्या अर्थ है कि कर्मचारी को जो नगद राशियां प्राप्त हुई नियोक्ता से उनका योग किया जाता है उसे ग्रॉस कैश अतिरिक्त माना जाता है और उसमें से तीन कटौतियां घटाई जाती हैं, इसने डिडक्शन, मानक कटौती, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस मनोमय बताई कटौती, और नंबर तीन है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी नियोजन कर या पेशा कर। ये नगद सकल नगद वेतन में से ये तीनों कटौतियाँ घटाने बसा जो शेष बचता है उसको नगद करयोग्य वेतन यानी टैक्सेबल कैश अधिक माना जाता है और ये राशि यदि 50,000 रुपये से अधिक हो तो उसे विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है। अनुलाभों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक है साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ, और नंबर टू है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ, यानी सेकंड कैटेगरी में वो अनुलाभ आते हैं जो यदि कर्मचारी गत वर्ष में विशिष्ट बनता है तो करयोग्य माने जाएंगे और यदि साधारण बनता है तो वो सभी करमुक्त माने जाएंगे। नंबर तीन है साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ यानी टैक्स फ्री परक्विजिट्स। अब हम प्रत्येक कैटेगरी का अलग अलग विवेचन करेंगे। नंबर एक है साधारण तथा विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्रेणी में निम्न अनुलाभ आते हैं। नंबर एक है
रेंट फ्री हाउस एकोमोडेशन यानी किराए मुक्त मकान की सुविधा। नंबर टू है रियायती दर पर किराए के मकान की सुविधा। नंबर तीन है कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ताधार भुगतान। और नंबर चार है कर्मचारी के LIC प्रीमियम व एनुटी प्रीमियम का नियोक्ताधार भुगतान। नेक्स्ट आता है इसमें निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट अंशों की सुविधा। और नेक्स्ट इसमें आता है ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा। नेक्स्ट आता है इसमें उपहार की सुविधा। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड की सुविधा। नेक्स्ट चल संपत्ति के उपयोग की सुविधा। और नेक्स्ट है चल संपत्ति का स्थानांतरण। इस प्रकार से ये अनुलाभ आते हैं। अब हम एक एक अनुलाभ के मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। तो नंबर एक है किराए मुक्त यानी मुफ्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, मुफ्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले हम सरकारी कर्मचारी की चर्चा करेंगे, उसके बाद में गैर सरकारी कर्मचारी की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मकान दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है असुसज्जित मकान या अनफर्निश्ड हाउस। नंबर टू होता है सुसज्जित मकान फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड का मतलब होता है कि मकान में फर्नीचर की सुविधा भी प्रदान की गई हो तो उसको फर्निश्ड हाउस माना जाता है, और केवल मकान की सुविधा दी गई है, फर्नीचर की सुविधा नहीं दी गई है तो इसे अनफर्निश्ड हाउस माना जाता है। अब हम सरकारी कर्मचारी के लिए मकान की सुविधा के मूल्यांकन पर चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर एक है सरकारी कर्मचारी की दशा में मकान की सुविधा का मूल्यांकन। इसमें है नंबर एक है असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि सरकार द्वारा अपने कर्मचारी को किराए मुक्त मकान दिया गया है तो इसका मूल्यांकन कैसे करें, तो इसमें एक ही बात बताई गई है कि चूँकि कर्मचारी को मकान मुफ्त दिया गया है, परंतु यदि मुफ्त नहीं दिया गया होता तो सरकारी नियमों के अनुसार सरकार द्वारा ऐसे मकान का गत वर्ष में कितना किराया वसूल किया जा सकता है उसी राशि को हम असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य मानते हैं। नंबर टू है वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस फैसिलिटी यानी सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन। ये विद्यार्थियों, इसमें मकान और फर्नीचर दोनों मिलाकर सुविधा दी गई है, तो सबसे पहले हम ऊपर बताए गए नियम के अनुसार असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे और उसमें फर्नीचर की सुविधा का मूल्यांकन करके वो राशि जोड़ दी जाएगी तो दोनों का जो योग आएगा उसको हम सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य मानेंगे। अब फर्नीचर की सुविधा मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसका प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है कि यदि फर्नीचर नियोक्ता का स्वयं का हो या फर्नीचर किराए का हो। यदि फर्नीचर किराए का हो अर्थात नियोक्ता द्वारा फर्नीचर का किराया बाहरी एजेंसी को चुकाया गया हो तो गत वर्ष में जितना फर्नीचर का किराया नियोक्ता द्वारा चुकाया गया है उसे फर्नीचर की सुविधा का मूल्य माना जाता है। यदि फर्नीचर नियोक्ता का स्वयं का हो तो फर्नीचर की मूल लागत का 10% वार्षिक यानी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर पर एनम से जो राशि निकल कर आती है उसे फर्नीचर की सुविधा का मूल्य माना जाता है। अब हम अन्य कर्मचारियों की दशा में अर्थात गैर सरकारी कर्मचारियों की दशा में मकान की सुविधा के मूल्यांकन के प्रावधान पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर एक है यदि मकान नियोक्ता का स्वयं का हो, और नंबर टू है यदि मकान किराए का हो। पहले हम मकान नियोक्ता का होने पर मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। तो असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि मकान नियोक्ता का स्वयं का हो तो तीन परिस्थितियां होती हैं, और वो होती हैं उस स्थान की आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। नंबर एक है
कि कर्मचारी जिस स्थान पर सेवाएं प्रदान करता है और निवास करता है उस स्थान की जनसंख्या यानी आबादी 10 लाख से अधिक नहीं हो तो सुविधा की अवधि के वेतन का 7.5% के बराबर असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य माना जाता है। नंबर 2 है, यदि कर्मचारी जिस स्थान पर सेवाएं प्रदान करता है उस स्थान की आबादी 10 लाख से अधिक हो परंतु 25 लाख से अधिक नहीं हो तो गत वर्ष के जिन महीनों में मकान की सुविधा प्रदान की गई है उन महीनों के वेतन का 10% के बराबर राशि को असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य माना जाता है। नंबर 3 है, यदि उस स्थान की जनसंख्या यानी आबादी जहाँ कर्मचारी सेवाएं प्रदान करता है और रहता है 25 लाख से अधिक हो तो गत वर्ष के जिन महीनों में मकान की सुविधा दी गई है कर्मचारी को उन महीनों के वेतन का 15% को के बराबर राशि को असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 2 है, यदि मकान किराए का है, यदि मकान किराए का है तो हम दो राशियों की तुलना करेंगे और दोनों में से जो राशि कम हो उस राशि को असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य माना जाता है। दो कौन सी राशियाँ? कि गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा चुकाया गया मकान किराया तथा सुविधा की अवधि के वेतन का 15%, इन दोनों में से जो राशि कम हो उस राशि को असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अन्य प्रकार से मकान की सुविधा प्रदान किए जाने पर। यह है, अन्य प्रकार से मकान की सुविधा प्रदान किए जाने वाली जो स्थिति है वो सरकारी व गैर सरकारी सभी कर्मचारियों में लागू होती है। इसमें निम्न परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 है, होटल में ठहरने की सुविधा का मूल्यांकन। इसमें दो परिस्थितियाँ बनती हैं। नंबर 1, स्थानांतरण की दशा में ट्रांसफर, इन केस ऑफ ट्रांसफर, यदि कर्मचारी का गत वर्ष में अन्य स्थान पर नियोक्ता द्वारा स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और उसको नए स्थान पर होटल में ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है और सुविधा की अवधि गत वर्ष में कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं हो तो होटल में ठहरने की सुविधा का मूल्य 0 माना जाता है, अर्थात ऐसी सुविधा को करमुक्त माना जाता है। नंबर 2 है, यदि होटल में ठहरने की सुविधा स्थानांतरण के अलावा दी गई हो या स्थानांतरण की दशा में दी गई हो परंतु ठहरने की अवधि यानी सुविधा की अवधि 15 दिन से अधिक हो तो होटल में ठहरने की सुविधा मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? तो ये प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है कि हम दो राशियों की गणना करेंगे और दोनों में से कम वाली राशि के बराबर राशि को हम होटल में ठहरने की सुविधा का मूल्य मानेंगे। नंबर 1 है, होटल में ठहरने की सुविधा की अवधि के वेतन का 24% यानी 24%। तो नंबर 2 है, गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा चुकाया गया होटल का किराया, इन दो में से जो राशि कम होती है उसको होटल में ठहरने की सुविधा का करयोग्य मूल्य माना जाता है। नंबर 2 है, दूरस्थ स्थान पर मकान की सुविधा का मूल्यांकन, यानी रिमोट एरिया में यदि मकान स्थित है तो ऐसी दशा में मकान की सुविधा को करमुक्त माना जाता है, इसलिए मूल्यांकन 0 माना जाता है। और नंबर 3 है, स्थानांतरण दशा में नए तथा पुराने दोनों स्थानों पर मकान की सुविधा प्रदान की गई हो। प्रिय विद्यार्थियों, यदि चालू गत वर्ष में यदि कर्मचारी का नियोक्ता द्वारा अन्य स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है और उसको पुराने स्थान पर भी मकान की सुविधा प्रदान की गई और नए स्थान पर भी मकान की सुविधा प्रदान की गई है तो उस स्थिति में स्थानांतरण तिथि से प्रथम 90 दिन के लिए कम मूल्य वाले मकान की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है और उसे करयोग्य माना जाता है और अधिक मूल्य वाले मकान की सुविधा का मूल्य करमुक्त माना जाता है। परंतु यदि 90 दिन के बाद भी दोनों मकान की सुविधा साथ साथ प्रदान की गई हो तो उस स्थिति में 90 दिन के बाद की अवधि के लिए दोनों मकानों की सुविधा का मूल्य करयोग्य माना जाता है।
प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसकी व्याख्या करना भी मैं आवश्यक समझता हूँ। इसमें एक शब्द आया रिमोट एरिया या दूरस्थ स्थान, दूरस्थ स्थान रिमोट एरिया। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा स्थान जो ऐसे स्थान से जिसकी नवीनतम जनगणना के अनुसार आबादी 20,000 से अधिक नहीं हो, उसकी सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी के और दूर जो स्थान स्थित होता है उसको रिमोट एरिया माना जाता है। एक इसमें आता है वेतन, यानी जिस वेतन का हमको 10%, 7.5%, 24% या 15% करना हो तो उस स्थिति में वेतन का क्या अर्थ होता है, तो इसके बारे में बताया गया है कि वेतन बराबर मूल वेतन प्लस करियोगी भत्ते प्लस कमीशन और प्लस सेवा शर्तों के अंतर्गत महंगाई भत्ता। प्रिय विद्यार्थियों, अन्य शब्दों कह सकते हैं हम कि सैलरी बराबर बेसिक पे प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक और विशेष बात ध्यान रखनी है आपको कि यदि नियोक्ता कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ कार्य करता है तो मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को शामिल करते हुए उसका योग किया जाता है और उसके आधार पर मूल्यांकित राशि की गणना मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात 10%, 15%, 7.5% या 24% जिस किसी वेतन करना हो तो सभी नियोक्ताओं से प्राप्त राशि को जोड़कर जो योग बनेगा उस वेतन पर यह गणना की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक दो बात और बताना चाहूँगा कि दूसरी बात नंबर टू इसमें आता है रियायती किराए के मकान की सुविधा का मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, रियायती किराए के मकान की सुविधा का मतलब ये होता है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मकान मुफ्त में नहीं दिया गया है, अर्थात कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की जाती है, वो मकान की भी हो सकती है और वो खर्चे किराए की भी हो सकती है। तो इसका मूल्यांकन कैसे करें, तो सबसे पहले हमको प्रश्न की सूचना के अनुसार मकान फ्री मानते हुए उसका मूल्यांकन जो हमने ऊपर नियम बताए उसके अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। यदि अनफर्निश्ड हाउस है तो उसके हिसाब से मूल्यांकन किया जाएगा और यदि फर्निश्ड हाउस है तो उसके हिसाब से मूल्यांकन किया जाएगा। और मुफ्त मकान की सुविधा मूल्यांकन करने के पश्चात जो मूल्य निकल कर आता है उसमें से गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से मकान तथा फर्नीचर के लिए वसूल की गई राशि को घटाया जाता है और शेष राशि को हम रियायती किराए के मकान की सुविधा का मूल्य मानते हैं। अन्य शब्दों में ये सूत्र बनता है इसका कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेंट बराबर वैल्यू ऑफ फ्री हाउस फैसिलिटी माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। इस सूत्र के आधार पर हम रियायती किराए के मकान की सुविधा का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर तीन आता है इसमें कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, यानी कर्मचारी दायित्व नियोक्ता द्वारा भुगतान का अर्थ ये होता है कि वो ये ऐसे दायित्व हैं कि यदि इनका भुगतान नियोक्ता द्वारा नहीं किया जाता तो कर्मचारी स्वयं को करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि नियोक्ता स्वेच्छा से इन दायित्वों में भुगतान करता है। अब इनका मूल्यांकन कैसे करें, तो इसमें ये बताया गया है कि इन दायित्वों में भुगतान के रूप में करदाता द्वारा गत वर्ष में जो राशि करदाता के लिए नियोक्ता द्वारा गत वर्ष में जो राशि चुकाई जाती है उसी राशि को दायित्वों के भुगतान की सुविधा का करयोग्य मूल्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जानकारी आपको मैंने आज आपको प्रदान की है, मैं समझता हूँ ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य सुनें और अपने साथियों को भी इसे सुनने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। अन्य जो अनुलाभ इस श्रेणी में आते हैं वो हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।